चलिए आप सभी मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक जंगल में 10 बकरियां हैं जो कि चारा चरने के लिए गई हुई हैं। तभी वहां पर एक शेर आता है और शेर उनमें से एक बकरी को खा जाता है। तो बताइए कि कितनी बकरियां बचेंगी? क्या आपके दिमाग में भी यही जवाब आया है कि 10 बकरियां थी, एक को शेर खा गया तो 9 बची। लेकिन इसका एक दूसरा जवाब भी हो सकता है, वो ये कि वहां पर एक भी बकरी नहीं बची। जी हाँ, ये भी तो हो सकता है कि जब शेर ने एक बकरी को खाया तो बाकी 9 बकरियां वहां से भाग गई, क्योंकि उन्हें अपनी जान बचानी थी। दोस्तों, यही चीज होती है हमारे जीवन में भी। हम कभी किसी चीज के बारे में कोई कैलकुलेशन करते हैं तो जैसा कि बकरियों के केस में हुआ कि गणित तो कहती है कि 10 में से एक जाएगा तो 9 बचेगा, लेकिन वहां पर एक भी नहीं होती क्योंकि उसकी परिस्थितियों ने वहां के सारे वातावरण को चेंज कर दिया। इसी प्रकार जब हम अपने बिजनेस करते हैं या अपनी लाइफ में होते हैं तो लाइफ में भी जो हमारी कैलकुलेशन है, जरूरी नहीं है कि वो कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक बैठे जैसा गणित कहता है। वो कैलकुलेशन बिगड़ सकती है, वो कैलकुलेशन बदल सकती है, वो कैलकुलेशन अन्य परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। हो सकता है कि वो परिस्थितियाँ आपकी आंतरिक हों या वो बाहरी हों, वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हों या वो आपकी पर्सनल हों। परिस्थितियाँ आपके डिसीजंस को, आपके लक्ष्य प्राप्ति में दिक्कत या सपोर्ट दोनों कर सकती हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई काम करें तो सीधी सीधी कैलकुलेशन के साथ चलने के साथ साथ आपको बाहरी परिस्थितियों को और अपनी आंतरिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा और उनको भी अपने साथ समाहित करना होगा।